तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होंडा सिटी ZXI का स्टीयरिंग रैक है। तो उसका हम स्टीयरिंग रैक जूस रिप्लेस करने वाले हैं, तो आपको बताएंगे कि हम इसका स्टीयरिंग रैक जूस की तरह रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा स्टीयरिंग रैक जूस है। फ्रेंड, हमने इसका स्टेयरिंग का रेड बूट जो आता है वो रिप्लेस कर दिया है। हमने आपको दिखाया था व्हाइट कलर का हमने बूट डाला, ये इसका जूना बूट है, ये देख सकते हैं। ये क्या होता है, अंदर का जो हिस्सा आता है फ्रेंड, वो माइनस में चला जाता है। इसके अंदर प्ले आ जाता है, देखिए इस तरह का प्ले आ जाता है। तो इसके लिए आपका स्टेयरिंग खड्डे में जाता है तो आवाज़ करता है। तो हमने इसका बूट लेथ मशीन पर बना के प्रॉपर इसके साइज का अंदर डाला है। तो इसके लिए हमने फ्रेंड ये चीज़ें, ऊपर का एक कैप है, इसको ओपन करना पड़ता है बूट डालने के लिए। हम इसे भी अब प्रेस करेंगे। फ्रेंड, आपको अगर ये स्टीयरिंग का रैक बूस रिप्लेस करना रहेगा तो ये बाहर का जो कैप दिया है इसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, तब आपका स्टीयरिंग का रैक बूस बाहर आएगा। तो ये वाला जो बूस है स्टीयरिंग का, तो आप पहले इस कैप को बाहर निकाल लीजिएगा, फिर तो उसके बाद आपका रैक बूस बाहर आएगा। फ्रेंड, और एक चीज़, इसका बूस आपको रिप्लेस करने के लिए ये लेफ्ट साइड का आपका स्टीयरिंग का बोल्ट भी ओपन करना पड़ेगा। हमने ओपन किया है, जैसे अब इसको फिट करेंगे हम। टाइट करके ये बूट को चढ़ा कर एक टाइट क्लिप मार देंगे, हमारे लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसको हम फाइनल करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसका स्टीयरिंग का रैक जूस रिप्लेस कर दिया है फ्रेंड। तो इसका क्या होता है, सेटिंग होता है रैक का सेटिंग, तो उसका हम सेटिंग भी करेंगे। देख सकते हैं, देखिए इतना प्ले है, इसमें इतना प्ले नहीं रहना चाहिए। इतना प्ले रहेगा तो आप जब स्विंग लेफ्ट राइट मारेंगे तो आपका खट खुट खट हुआ आ जाएगा फुल टर्न मारने से। तो देखिए इतना प्ले, तो इसका हम प्ले सेट करेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ से प्ले सेट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये डम्फर किट का प्ले है। ये नट को पहले सबसे पहले लूज कर लीजिएगा इस तरह, ठीक है, ये हमने लूज कर दिया है। उसके बाद से ये जो ऊपर का 14 नंबर का नट दिख रहा है उसको धीरे धीरे टाइट कीजिएगा, एक एक थ्रेड एक एक थ्रेड टाइट कीजिएगा और इधर से प्ले करके देखिएगा, आपका प्ले ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। और हम थोड़ा सेटिंग करेंगे, ये देखिए प्ले कम हो रहा है, थोड़ा सा हल्का समामूली और करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें नॉर्मल एकदम प्ले रहना चाहिए, ना के बराबर, देखिए ठीक है। तो इस पर इतने पे हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है,
इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक कर चुका है, एकदम मामूली सा प्ले रखिएगा ना के बराबर, देखिए एकदम मामूली, ठीक है। तो ये हमारा प्ले की सेटिंग हो चुका है, अब थोड़ा इसमें हमारी ग्रिल भर के और इस बूट को चढ़ाकर क्लिप टाइट कर देंगे। तो और ग्रिल लीजिए, घुमा जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इसके जाते जाते में थोड़ा ग्रीस भर देंगे हम, तो इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग हो जाएगा। तो पीछे ये हमारा स्टीयरिंग रेक तैयार हो चुका है, देख सकते हैं हम इसको टाइट क्लिप मारकर बूट को लॉक कर देंगे। दोनों बाजू का हमने टाइट क्लिप मार के बूट को फिट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा आज स्टीयरिंग रेक बूट रिप्लेस का वीडियो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अगर आपको हमारा ये रिप्लेस करने का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।